नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिद्धगोड़ा पुलिस ने बाबुन हाथों में हुए चोरी की घटना का किया खुलासा, सोनार समेत 4 लोग गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के खिलाफ मंत्री बन्ना गुप्ता समेत भारी संख्या में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। चाईबासा के गोइलकेरा में जहरीले सांप ने छात्र को डसा, एमजीएम से टीएमएच किया गया रेफर, स्थिति गंभीर। और पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में वृद्धि, जिसके मद्देनजर सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच अनिवार्य। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने बीते 19 जून को बाबुन हाथों नीम भट्टा निवासी सेवानिवृत्त वन विभाग कर्मी सुधीर चंद्र दास के बंद मकान में हुए चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने सोनार सहित 4 अपराध कर्मियों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम राजू कालंदी, सीबू दास, जुरेन बानरा, कृष्णा कालंदी और संदीप प्रसाद बताया जा रहा है। पुलिस इनके पास से चुराए गए 2 सोने के कान की बाली, नाक का सोने का नोज पिन 3 पीस, 2 जोड़ा चांदी का पायल, लोहे का रॉड और 4 मोबाइल बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सेवानिवृत्त वन कर्मी सुधीर चंद्र दास मकान बंद कर अपनी बेटी के यहाँ उड़ीसा गए हुए थे। 22 जून को लौटने पर घर का ताला टूटा पाया, अंदर अलमारी से सारे जेवरात गायब मिले। इसकी जानकारी थाने को दी गई, जिसके बाद एक टीम गठित कर छापेमारी शुरू की गई। छापामारी के क्रम में राजू कालिंदी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में उक्त घटना को कारित करने की बात कही। उसके बाद राजू की निशानदेही पर बाकी अन्य युवकों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके द्वारा जिस सोनार के दुकान में गहने बेचे गए थे उसे भी हिरासत में ले लिया गया। सभी ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बताया गया कि राजू कालिंदी हिस्ट्री शीटर अपराधी है और कई मामलों में जेल जा चुका है। राजू कालिंदी, शिबू दास, जुरेन बानरा, कृष्ण कालिंदी और संदीप प्रसाद, ये 5 लोग शामिल थे इसमें। इसमें जो पहले 4 लोग हम बताए थे, ये लोग छुट्टी का काम करते थे, तो घूमते फिरते इनको सबको ये जानकारी रहती थी कौन सा घर ताला बंद है, कौन से घर में आदमी है, कौन से में नहीं है। तो यही देख के ये लोग प्लान बनाए कि ये वाला घर पिछले काफ़ी दिनों से बंद है, तो हम इसमें ताला तोड़ के अंदर से ये करते हैं, हम तब चोरी करते हैं, लूट करते हैं। तो जब इसका ताला तोड़ा गया तो अंदर से ये लोग सोने का भी चोरी किए थे और चांदी का जो भी सामान था उसका भी चोरी किए थे, जो पूरा रिकवरी हो गया है। और सिद्धगोड़ा थाना द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया इसमें। और लास्ट में जो बता रहे हैं, जो संदीप प्रसाद है, ये जानते हुए कि ये चोरी का सामान है, वो सुना रहे हैं आदमी संदीप प्रसाद, लेकिन चोरी का माल है ये जानते हुए भी उसने वो रिसीव किया है, खरीदा है। तो इसी के चलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इधर अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह कर अग्निपथ योजना का विरोध जताया जा रहा है। इधर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सहित सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसी सत्याग्रह पर बैठे हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बिरसा नगर संडे मार्केट के समीप सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना को देश के इतिहास के लिए काला कानून बताया और कहा, इस योजना को लाकर केंद्र सरकार युवाओं को अपने पैसे से ट्रेनिंग देगी, उसके बाद कारपोरेट घरानों में बतौर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मुहैया कराएगी। उन्होंने अग्निपथ योजना को सेना में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत बताया। वहीं जमशेदपुर जिला उप मुख्यालय के समक्ष मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में पश्चिम विधानसभा के कांग्रेसियों ने धरना दिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि पहली बार सेना के अधिकारियों को राजनीति में शामिल किया गया है, सेना के अधिकारी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, आज़ादी के 70 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहीं चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिससे किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त करने का अधिकार उसके पास चला जाएगा, जो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए केंद्र की नीतियों का हर स्तर पर विरोध करने की बात कही।
रही है और प्राइवेटाइज करके जो हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसको समाप्त करने की एक साजिश हो रही है, ताकि जो है एक तरफ संगठित क्षेत्र समाप्त हो, दूसरी तरफ आरएसएस का एजेंडा है कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनके हक अधिकार को छीना जाए। जो वीर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाता है, अपनी शहादत देने के लिए जाता है, और शहादत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती है, और जब शहादत देने के लिए जाता है और उसको भी यदि केंद्र की सरकार अनुबंध पर, ठेका पर करके यदि उसकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ा करेगी, तो निश्चित तौर पर यह देश किसानों का देश है, यह देश हमारे वीरों का देश है, जवानों का देश है। जवान के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस आप लोग क्या आंदोलन? हम ये सैद्धांतिक आंदोलन छेड़े हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि माँ भारती के इन सपूतों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इधर चाईबासा के गोइलकेरा में जहरीले सांप ने छात्र को धसा, एमजीएम से टीएमएच रेफर, स्थिति गंभीर। चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के गोइरा गांव का रहने वाला छात्र अनिल बांद्रा को जहरीले सांप ने डस लिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने छात्र को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया, जहां छात्र की स्थिति गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में रेफर किया गया है। रात 3 बजे को सोया हुआ था, शाम 5 बजे उसके बाद हॉस्टल गए थे, सोनवा से बाद चैम्बर के बाद एमजीएम में हम सब पकड़े। पकड़ाया सांप के? नहीं पकड़ाया, पकड़ाया था कि मरा था, हम लोग नहीं मारा, फिर हम छोड़ दिया, छोड़ने के बाद हम अस्पताल आ गया, फिर सांप भाग गया। भाग गया? हाँ। हालत तो सीरियस, बहुत गंभीर, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। पूरे देश समेत पूर्वी सिंहभूम जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव से जिला स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसे लेकर सिविल सर्जन के निर्देश पर मंगलवार से सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना के तीसरे लहर के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई थी। पुनः संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखते हुए और लगातार बढ़ोतरी होता देख स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों की कोरोना जांच अनिवार्य करते हुए विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया है। यानी अस्पताल में प्रवेश करने से पूर्व पहले कोरोना की जाँच की जाएगी, उसके बाद ही मरीजों का अस्पताल में प्रवेश करने दिया जाएगा। साथ ही वैसे मरीज जिनकी स्थिति गंभीर है उन्हें अस्पताल में भर्ती करने, साथ ही जो मरीज की स्थिति सामान्य होगी उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बाखला ने बताया कि 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था सदर अस्पताल में है, ताकि हर विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसे में लापरवाही ना बरते, मास्क को अपने दिनचर्या में शामिल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। साथ ही उन्होंने कहा जिन्होंने अब तक टीका नहीं लिया है उनसे टीका लेने की अपील की है। हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह में मरीजों की संख्या 12 थी और पिछले सप्ताह ये बढ़कर 37 हो गई, तो अब यह जाँच का विषय है कि हम लोग ये सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं या मरीज जो भी हैं उनके जांच की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने कल सिविल सर्जन के आदेशानुसार कल ओपीडी के हर एक मरीजों की हम लोग कोरोना की जांच करेंगे और जो भी संक्रमित पाए गए वैसे मरीजों का जो स्थिति हम लोग आकलन कर उनको यदि भर्ती करने की आवश्यकता है तो उसको हम लोग आइसोलेशन में उसको भर्ती करके रखेंगे, और अगर मरीज की स्थिति नॉर्मल है, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है और वैसे मरीजों को वो सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो वैसे मरीजों को दवा दे करके हम लोग उनको घर पे जाने की, घर पे आइसोलेशन की रहने की सजेशन देंगे, क्योंकि अभी हमको कोरोना से मुक्त नहीं हुए हैं, प्रोटोकॉल में हम लोगों को रहना है, क्योंकि कोरोना अभी जैसे जिस स्थिति से संक्रमित हो रहे हैं लोगों में जागरूकता की फिर ज़रूरत है, क्योंकि लोग अभी भूल गए हैं कि कोरोना हमारे बीच है, कोरोना था ले, और हमें इससे अभी लड़ना है
और लेकिन जब तक हम अपने बचाव के लिए मास्क, जो भी प्रोटोकॉल है हमारा, हाथ धोने का, मास्क पहनने का और जितनी भी सावधानियां हम लोगों ने पूर्व में बताई गई थी, उनको फिर से हम लोगों को करने की ज़रूरत है। वहीं जमशेदपुर में दूसरी बार युवाओं ने अडॉप्शन कैंप लगाया और सड़क में घूमने वाले छोटे और बड़े कुत्तों को घर दिलाया गया। स्ट्रे आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट ने सड़क के कुत्तों को घर दिलाने की मुहिम चलाई, जिसमें सफलतापूर्वक 9 देसी कुत्तों को घर दिलाया गया। इनका प्रसिद्ध नारा है, हम देसी तो हमारे कुत्ते भी देसी होने चाहिए। अब तक इन युवाओं ने 50 से भी ज़्यादा देसी कुत्तों को घर दिलाया है। इधर कदमा स्थित बॉल्डविन स्कूल प्रांगण में इंटर के टॉपर छात्रों को किया गया सम्मानित। कदमा स्थित बॉल्डविन स्कूल प्रांगण में इंटर के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा टॉपर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग किया जाएगा। स्टैंडर्ड 11th सेशन 2022-23 का क्लासेस स्टार्ट हुआ एंड इसमें स्टूडेंट्स के लिए आज ये फर्स्ट डे है स्टैंडर्ड 11th के लिए। और इसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल सेकेंडरी एग्जामिनेशन के जो स्टेट टॉपर है मास्टर अभिजीत शर्मा, इन्होंने भी हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है। तो इसके लिए मास्टर अभिजीत शर्मा को कंग्रेचुलेट करते हैं उनका रिजल्ट के लिए, और ये भी आशा करते हैं कि वो फर्दर फ्यूचर में भी अपनी पढ़ाई करते रहें। स्कूल की तरफ से क्या क्या सहायता दी जा रही है छात्रों को? अभिजीत ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो स्कूल अभिजीत को पूरे स्टडीज में उसके फ्यूचर के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है, जिससे वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के वो अपना स्टडीज कंप्लीट कर सके। इसके लिए स्कूल ने उसके लिए 100% स्कॉलरशिप दिया है, साथ में ही अदर थिंग्स जैसे यूनिफॉर्म्स, फुल यूनिफॉर्म एंड बुक्स एंड ऑल सब कुछ उसको स्कूल दे रहा है। मैनेजमेंट के लिए इसके मैनेजमेंट को इसके लिए बहुत सारा थैंक्स देना चाहते हैं कि एक मेधावी छात्र को प्रोत्साहन देने के लिए। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता, सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए हैं ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम्स, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक।
छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 इयर्स जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। इधर सरोजिनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रांगण में छात्रों को किया गया सम्मानित। सरोजिनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रांगण में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। हम लोग का 2020 और 1921 का लड़का लोग को बुला रहा एडमिट मैंने सर्टिफिकेट बांटने के लिए। इसके बाद हम लोग का कॉलेज चल रहा गुंड में, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पर स्टूडेंट लोग का 17 स्टूडेंट लोग प्लेसमेंट मिला है। अभी हम लोग का बार बार कॉल मैंने प्लेसमेंट के लिए तो आते रहता है। यहाँ स्टूडेंट को लेटरल में वहाँ पर लेने के लिए तो हम लोग बात कर रहे हैं। जमशेदपुर महानगर की ओर से 25 सदस्यों का जत्था तीर्थ स्थल समेत अमरनाथ यात्रा के लिए मंगलवार को रवाना होगा। आपको बता दें कि इन सदस्यों द्वारा तीर्थस्थल भ्रमण के बाद श्रीनगर के लाल चौक में भगवा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया है। वैश्विक महामारी के बाद विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर के नेतृत्व में 25 सदस्यों का जत्था मंगलवार को रवाना होगा, जहां दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमृतसर के लिए रवाना होंगे, जहां से जम्मू होते हुए ये सीधे अमरनाथ यात्रा के लिए कूच कर जाएंगे। यात्रा संपन्न करने के बाद 25 सदस्यों का जत्था श्रीनगर लाल चौक पर भगवा झंडा फहराएंगे। तीर्थस्थल के लिए रवाना हो रहे विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों में एक अलग सी खुशी दिखाई दी। वहीं जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने बताया कि तीर्थ यात्रा प्रारंभ से पूर्व विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर के द्वारा भगवा अंग वस्त्र प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा इन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। आज हमारे महानगर से 25 श्रद्धालु और युवक जो हमारे कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के और अन्य संगठन के, ये बाबा अमरनाथ के यात्रा में जा रहे हैं। इनको जो है विश्व हिंदू परिषद के तरफ से एक टी शर्ट, भगवा गमछा और बहुत सारी सुविधा दी जा रही है। और जगह जगह पर जो है विश्व हिंदू परिषद जो है यात्रा में इनका देख रेख करेगी। और विश्व हिंदू परिषद 2 साल कोरोना काल के समय में जो है एक योजना नहीं बना पाई, लेकिन इस साल जो है मनीष जी पहल किए और हम लोग उनके पहल पर जो है गंभीरता पूर्वक जो है निर्णय लेते हुए बाबा अमरनाथ का यात्रा के लिए जो है 25 लोगों को प्रेरित करके जो है अमरनाथ यात्रा के लिए भेजा गया। और CDPO दुर्गेश नंदनी जमशेदपुर सदर की अध्यक्षता में धातकीडी सामुदायिक भवन में एनीमिया मुक्त भारत पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं 1 जुलाई 2022 से चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में WHO के नितेश कुमार, लोक स्वास्थ्य प्रबंधक सुमन कुमार, सरिता महिला पर्यवेक्षिका के अलावा जमशेदपुर सदर की सभी सेविकाएं उपस्थित रहीं। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा पुलिस ने बाबुनहाटों में हुए चोरी की घटना का किया खुलासा, सोनार समेत 4 लोग गिरफ्तार।
अग्निपथ योजना के खिलाफ मंत्री बन्ना गुप्ता समेत भारी संख्या में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। चायपासा के गोइलकेरा में जहरीले सांप ने छात्र को डसा, एमजीएम से टीएमएच किया गया रेफर, स्थिति गंभीर। और पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में वृद्धि, जिसके मद्देनजर सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच अनिवार्य। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।